हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ भाई आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम देखने वाले हैं भाई होंडा की अमेज, जो कि अभी फेसलिफ्ट जो इसका आया है, क्या क्या चेंजेस हैं, फीचर्स की बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं की से। तो कुछ इस तरीके की की मिलेगी जिसमें लॉक, अनलॉक और होल्ड करने से खाली भाई बूट ओपन होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक बूट नहीं आता है इसमें, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये खाली इतना ओपन हो जाता है, बाकी आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। इसको बंद कर देते हैं, चलते हैं फ्रंट में। फ्रंट से बात करें तो कुछ इस तरीके का लुक आता है। सेंटर में होंडा का लोगो मिलेगा, क्रोम में ग्रिल है इसकी। राइट साइड आए तो ये है बाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एलईडीज के साथ। ये आफ्टर वेल्ट इंडिकेटर। ये अपने नीचे डीआरएल्स मिलेंगे, नीचे आपको प्रोजेक्टर ही फॉग लैंप मिलेंगे। सेम आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जो कलर देख पा रहे हैं ये अपना पर्ल वाइट कलर है। साइड में आ जाते हैं। अलॉयज की बात करें तो ये भाई अपने 175/65R15 के डायमंड कट अलॉयज मिलेंगे। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेंगे, रियर में ड्रम ब्रेक आते हैं इसमें, आप देख सकते हैं। और ये अपना ऑटो फोल्ड अनफोल्ड ORVMs टर्न्स इंडिकेटर के साथ। को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर आता है इसमें। क्रोम में डोर हैंडल मिलेंगे। बी पिलर आपको ब्लैक में मिलेगा। ये अपना फ्यूल लिड, 35 लीटर का पेट्रोल का फ्यूल टैंक आता है इसमें। और ये है भाई अपनी रियर प्रोफाइल। सेंटर में होंडा का लोगो मिलेगा। ये अपना VX मॉडल है। इसमें खाली ये आपको तीन वेरिएंट्स मिलेंगे, ES और VX। VX अपना टॉप मॉडल है। IVTEC पेट्रोल 1.2 लीटर की बैजिंग कर रखी है। ये अपनी फुल LED लाइट्स। ये अपने हेलोजन बेस इंडिकेटर और रिवर्स लाइट मिलेगी, बाकी फुली LED है। नीचे मिलेगा एग्जॉस्ट पाइप। ये हैं अपने रिफ्लेक्टर्स, दोनों तरफ मिलेंगे आपको। चार अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिलेंगे। और ये है भैया अमेज की बैजिंग। रियर ग्लास पे आपको वाइपर नहीं मिलेगा क्योंकि ये सेडान है, खाली डिफॉगर आता है। और ये हैं भाई अपने शार्प एंटीना और प्लेन रूफ मिलेगी। आप देख लेते हैं भाई इसका को ड्राइवर साइड क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। तो कुछ इस तरीके का डोर ओपनिंग है। डुअल टोन डोर ट्रिम मिलेगी, हार्ड मटेरियल के साथ, हार्ड प्लास्टिक है, लेदर का यूज़ नहीं किया हुआ। ये अपना कुछ फैब्रिक मिलेगा यहाँ से यहाँ तक का बस। ग्रे कलर में डोर का लीवर मिलेगा, ये अपना लॉक अनलॉक करने के लिए लीवर। ये अपना ब्लैक में ही पावर विंडो का कंट्रोल, ऑटोमेटिक अप और डाउन फंक्शन नहीं मिलेगा इसमें। ये आपको चार स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम आता है इसमें। और सीट की बात करें तो फैब्रिक सीट्स मिलेंगी बीच कलर में। डुअल टोन ही डैशबोर्ड मिलेगा ब्लैक और बीच कलर में। और ये है भैया अपनी इसका प्लेट। डोर की थर्ड सुने तो कुछ हल्का सा फील होता है। और ये है भाई अपना हार्ड डैशबोर्ड डुअल टोन में। ये कुछ सिल्वर इंसर्ट डाल रखे हैं इसमें। ये है अपना एसी वेंट्स। सेंटर में बात करें तो 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। साइड में आपको हजार लाइट ऑन ऑफ करने के लिए बटन। ये आपको एसी वेंट्स। मैनुअल एसी मिलेगा हीटर फंक्शन के साथ। ये कुछ इसके शॉर्टकट बटन्स हैं। ये अपना एसी ऑन एंड ऑफ करने के लिए ऑटोमेटिक एसी आता है इसमें। ये अपना फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, मोड चेंज करने के, मैक्सिमम कूलिंग कार के अंदर ऑन एंड ऑफ करने के लिए। नीचे आए तो ये कुछ इस तरीके का 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा। मैक्सिमम आउटपुट की बात करें तो 180 वोल्ट का मैक्स आउटपुट है। ये अपना USB चार्जिंग पोर्ट। ये अपना मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए है। आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इससे यूज़ करेंगे, ये खाली चार्जिंग के लिए है। ये अपना 5 स्पीड का ऑटोमेटिक, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक में इसमें CVT आता है खाली, जो कि रबर बैंड का अपने होंडा से ही स्टार्टिंग है CVT की। और ये है भाई अपना मैनुअल हैंड ब्रेक।
आर्मरेस्ट नहीं आता है इस वेरिएंट पे, किसी भी वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। ये अपना मैनुअल आईआरबीएम, सेंटर की बात करें तो सेंटर से कुछ इस तरीके का लुक है। हेलोजन लाइट मिलेंगी कैबिन में। और अब बात करें इसकी ग्लो बॉक्स की, तो कुछ इस तरीके का ग्लो बॉक्स है, बड़ा सा ग्लो बॉक्स मिलेगा, पर यह आपको दिखाने के लिए बनाया है इतना, वरना तो ये खाली यहाँ से यहाँ तक है ग्लो बॉक्स। अब आ जाते हैं पीछे, पीछे की बात करें तो पीछे से कुछ इस तरीके का लुक है। सेम आपको डुअल टोन ट्रिम मिलेगी दरवाजे पे। ये अपना ग्रैब हैंडल है, ये अपना पावर विंडो का स्विच, ये अपना लीवर है लॉक अनलॉक करने का स्विच। 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी इसमें। एक स्पीकर यहाँ पे मिलेगा। ब्लैक कलर की स्कफ प्लेट आती है इसमें, ब्रांडिंग नहीं मिलेगी स्कफ प्लेट पे। और ये है कुछ इसका सिटिंग पोस्चर। स्पेस की बात करें तो कुछ इतना स्पेस है, आराम से 5'8" 5'9" के भी बंदे आराम से आ जाएंगे इसमें। और ये अपना टिकट मैगजीन होल्डर। सेंटर की बात करें तो सेंटर में हम कुछ इतना है। और ये मिलेगा आपको 2 कप होल्डर्स आर्मरेस्ट के साथ। इसको बंद कर देते हैं। अब आ जाते हैं सेंटर में, बैठ के देखते हैं किस तरीके का। तो भाई सेंटर में आराम से 3 पैसेंजर इसमें इजीली आ जाएंगे। साइड में देखें तो सेम आपको यहाँ पे मिलेगा एक मैगजीन होल्डर, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा एक, ये मिलेगा एक बोतल होल्डर। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे आपको 2 आगे के, बाकी आपको पीछे के फिक्स्ड मिलेंगे दोनों। अब देख लेते हैं इसका ट्रंक, बूट एरिया कितना है। तो ये है कुछ इसका बूट स्पेस। इसकी कैपेसिटी जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। ये है अपना स्पेयर टायर, जिसकी साइज़ की बात करें तो ये है अपना 175/70R1 इंची का छोटा टायर है ये अपना। ये अपनी लगी स्पीड 60/40 स्पीड फंक्शन नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि ये सेडान है। और ये मिलेगी आपको एक लाइट, और ये कवर्ड कर रखा है इसको। चलिए बंद कर देते हैं। अब देख लेते हैं फ्रंट ड्राइवर सीट। डोर ओपन करते ही भाई आपको मिल जाएगी हेडलाइट ऑन। मैं एक बार लाइट का दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके की ग्लो करती हुई लाइट लगती है, प्रोजेक्टर और ये अपना DRLs। तो फ्रंट डोर कुछ इस तरीके से ओपन होता है। ये अपने चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, ऑटो अप और ऑटो डाउन का फंक्शन खाली आपको फ्रंट में मिलेगा। ये अपना लॉक अनलॉक करने के लिए चाइल्ड सेफ्टी का बटन, ये ORVM को कंट्रोल करने के लिए बटन्स, अपना रेफ राइट करके ये फोल्ड एंड फोल्ड करने के लिए। और यहाँ पे मिलेगा आपको एक और स्पीकर, 4 स्पीकर 2 ट्विटर का म्यूजिक सिस्टम आता है इसमें। मैनुअल एडजस्टमेंट के साइड सीट मिलेंगी ड्राइवर साइड, हाइट एडजस्टमेंट के साथ, जिससे आप इसकी हाइट अप डाउन कर सकते हैं। और स्टीयरिंग कंट्रोल की बात करें तो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट में आपको खाली टिल्ट फंक्शन मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है ये। मैं लॉक कर देता हूँ इसको। सेंटर में बात करें तो होंडा का लोगो मिलेगा। ये अपने MID को कंट्रोल करने के लिए बटन्स, ये क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स। इस सेगमेंट में यही खाली ऑफर करती है आपको क्रूज़ कंट्रोल। अपनी डिज़ायर वगैरह आपको ऑफर नहीं करती क्रूज कंट्रोल। और ये है कुछ 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, SRS एयरबैग की बैजिंग के साथ। लेदर स्टेज नहीं मिलेगा, वो आपको टॉप मॉडल में मिलेगा खाली। और पैडल्स की बात करें तो कुछ इस तरीके के पैडल्स मिलेंगे, जिसमें आपको ये है भाई अपना क्लच का, ये ब्रेक, ये अपना एक्सीलेटर। यहाँ देखें तो ये मिलेगा आपको हेडलाइट लेवलर्स, ये आपको मिलेगा पुश स्टार्ट स्टॉप बटन ग्लोइंग फंक्शन के साथ।
और ये है कुछ इस तरीके का एनालॉग मीटर। 8 तक मार्किंग है क्योंकि ये 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है। बीच में आपको छोटी सी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलेगी, ये अपना एनालॉग ही आपको स्पीडोमीटर मिलेगा। और ये है भाई इसको कंट्रोल करने के लिए बटन्स। सनसेट की बात करें तो सनसेट पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर भी नहीं है। को ड्राइवर सीट की बात करें तो आपको मिलेगा, मिरर मिलेगा बिना लाइट के साथ। और एक आपको ग्रैब हैंडल यहाँ पे मिलेगा, ड्राइवर साइड भी आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, एक ग्रैब हैंडल आपको मिलेगा यहाँ पे। और ये है भाई अपना मैनुअल हैंड ब्रेक। अब कर लेते हैं भाई सीट को थोड़ा पीछे, तो भाई अब करते हैं इसकी MID को ऑन ब्रेक प्रेस करके, तो कुछ इस तरीके से ओपन होती है। ये अपनी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जिसमें ट्रिप है, ट्रिप भी दिखाता है। साइड में आपको फ्यूल इंडिकेटर और कूलेंट टेम्परेचर मिलेगा, आउटसाइड टेम्परेचर भी दिखाता है। सेंटर में आपको दिख रहा होगा टाइम, नीचे आपको कुछ इमरजेंसी लाइट्स दिख रही होंगी, जैसे ये अपनी फ्यूल का MPT होने के लिए, ये अपनी स्टेयरिंग की बैटरी, और ये है भाई अपनी इंजन ऑयल की, ये अपनी इंजन की चेक लाइट है, ये अपनी स्टेयरिंग से रिलेटेड है। और MID में देखें मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में तो एवरेज दिखाती है, ट्रिप भी दिखाती है ये, और ये अपना टाइम का लिए ये कुछ बेसिक सा ही MID है इसकी। और ये है भाई अपनी 7 इंचिस का इंफोटेनमेंट जिसमें आपको मिलेगा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ, FM रेडियो, सारी बेसिक फंक्शनैलिटी आपको सब कुछ मिलेगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन है। साइड में आपको कुछ शॉर्टकट बटन्स भी मिलेंगे, जो कि ये भाई आपको पावर बटन है, ये अपना वॉइस कम ज़्यादा करने के लिए, बैक जाने के लिए, वॉइस कमांड के लिए, ये अपना मेन्यू। तो ये है कुछ इस तरीके का इंफोटेनमेंट, बेसिक सा इंफोटेनमेंट मिलेगा जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की फीचर्स ही मिलेंगे। वॉइस कमांड के लिए भी है, पर वॉइस कमांड में आप बेसिक ही ऑप्शन दे सकते हैं क्योंकि इस सेगमेंट में कोई भी आपको इतनी हाई एंड फीचर्स अवेलेबल नहीं कराती कंपनी। बाकी भाई ड्राइवर साइड यही था, अब देख लेते हैं इसका एक बार बोनट। बंद कर देते हैं पहले इग्निशन स्विच को। यहाँ पे मिलेंगे आपको फ्यूल लिड ओपन करने के लिए, और ये है भाई अपना ट्रंक ओपनर। बोनट खोल के देखते हैं इसका। आप देख लेते हैं इसका इंजन, तो भाई ये अपना 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जिसकी पावर की बात करें तो 90 PS की पावर मिलेगी, और अपना 110 Nm का टॉर्क मिलेगा। ये है भाई अपना नेचुरली एस्पिरेटेड होंडा का IVTEC पेट्रोल इंजन। दो इंजन ऑप्शन आते हैं अपने, 1.5 लीटर डीजल इंजन और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। ये है अपना पेट्रोल इंजन, CVT का भी ऑप्शन मिलेगा, और इंसुलेशन नहीं कर रखी है क्योंकि ये वैसे ही साइलेंट इंजन है अपना। चलिए बंद कर देते हैं इसको। तो ये है भाई ऑल न्यू अपनी अमेज फेसलिफ्ट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।